नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में जहां मार्च में तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था, उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। खाली कराने के बाद इसे सील कर दिया गया है और इस इलाके में और मरकज भवन के सैनिटाइज का काम चल रहा है। वही तबलीगी जमात का आयोजन करने वाले मौलाना साद समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इस बीच तबलीगी जमात के तरफ से एक चिट्ठी 25 मार्च को दिया गया। मरकज के मौलाना यूसुफ ने हजरत निजामुद्दीन SHO को उसमें कहा था, 24 मार्च को एक चिट्ठी मिली थी मरकज को बंद करने के लिए, मरकज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोगों को यहां से निकाल दिया गया है और अभी 1000 से अधिक लोग यहां पर है। आपके निर्देशों के बाद SDM से कॉन्टेक्ट किया है ताकि गाड़ियों का पास मिल सके और हम लोगों को यहां से भेज सके। SDM ऑफिस से 25 मार्च की सुबह मीटिंग तय भी की गई है। आपसे गुजारिश है कि काम को जल्दी से निपटा दिया जाए। आप SDM से संपर्क करें, हम आपके निर्देशों पर चलने को बिल्कुल तैयार है। मतलब तबलीगी जमात ने पुलिस को अपने पत्र में सूचित किया था और मीटिंग भी किया था और तबलीगी जमात निर्देशों का पालन भी कर रही है। 28 मार्च को लाजपत नगर के ACP ने दिल्ली के मोहम्मद साद को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि भारत सरकार और लॉकडाउन ऑर्डर के आदेश और धारा 144 के बावजूद दिल्ली के मरकज में कई लोग जमा हुए हैं। आपको आदेश का पालन करना चाहिए था मगर पालन ठीक तरह से नहीं हुआ है। ये वही चिट्ठी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मरकज के जिम्मेदारों ने पुलिस को पहले ही सूचित किया था और तो और तबलीगी जमात से 23 तारीख को मीटिंग भी की गई थी। मीटिंग के दौरान क्या बातचीत हुई वो भी आप सुनिए। और वार्निंग देने के बावजूद भी वहाँ पे मरकज में हमेशा 1.5 से 2 हजार की गैदरिंग है। बात है, स्वागत है ना? पहले से है या बाद से? आप पहले आप मेरी बात को सुनिए जी। पहले आप मेरी बातों को मेरी मेरे सुन लीजिए, समझ लीजिए। आगे आप लोगों के लिए आसानी के लिए है, अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर CCTV कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? सही है, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर हम आप कह रहे हैं हमने 1500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह रहे हैं, 1500 भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000। 1000 है? वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ के, कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई चंदौली का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको SDM साहब से बात कर लीजिए, आप हमें नंबर दे सकते हैं, हम बात कर रहे हैं। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार, आपके पास SDM का भी नंबर नहीं है, ACP साहब मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा SDM साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको SDM का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपकी आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, SDM साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं, अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को जो आपके लोग आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको कर लीजिए और अभी आप SDM साहब से संपर्क कीजिए। गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिस जिसको आगे बसेस से निकालना है वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा हूँ, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने कहा, मैंने सुन ली, कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात को एक सेकंड सुन लीजिए, आपको नहीं करना।
मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने कर पाऊँ। ठीक है, और इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। निजामुद्दीन के आलमी मरकज में 36 घंटे का सघन अभियान चलाकर सुबह 4 बजे पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। इस जमात में कुल 2361 लोग निकले, इसमें से 617 को अस्पताल में और बाकी को क्वारंटाइन केंद्र में भेजा गया। करीब 36 घंटे के बाद इस ऑपरेशन में मेडिकल स्टाफ, प्रशासन, पुलिस, डीटीसी स्टाफ सब ने मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।